बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे धोखेबाज को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर पहले धोखाधड़ी शस्त्र अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज थे और उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंकों से 20 करोड़ की ठगी भी की है। इस मामले में आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को अलग अलग मामलों में अदालत के द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। आरोपी के ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गिरीश दत्त गज्जा, निवासी पीतमपुरा, नई दिल्ली के रूप में की गई है। क्राइम ब्रांच विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत के द्वारा घोषित एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने का काम क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपा गया था। आरोपी गिरीश दत्त ने विभिन्न बैंकों से फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लिया और कई करोड़ों की बैंकों के साथ ठगी की। इस मामले में आरोपी को अदालत के द्वारा पीओ घोषित किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच ज्वाइंट सीपी एसडी मिश्रा ने डीसीपी क्राइम ब्रांच सतीश कुमार, एसीपी यशपाल सिंह की देखरेख में टीम का गठन किया था जिसमें इंस्पेक्टर पवन, एसआई रविंद्र सिंह, अनुज शिकारा, अनिल सरोहा, एएसआई रविंदर, हेड कांस्टेबल रविंदर, प्रवीण अश्विनी, कांस्टेबल सोहित को शामिल किया गया। वहीं जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के एएसआई रविंदर को गुप्त सूचना मिली जिसके आधार पर तकनीकी जांच की गई और आरोपी की लोकेशन को अमन विहार इलाके में ट्रेस किया गया। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने जाल बिछाया और छापेमारी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। आरोपी इतना शातिर था कि उसने अपनी दाढ़ी बना ली और अपना नाम नरेंद्र रख लिया और अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए ओला कैब चला रहा था। वो जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपना पता और ठिकाना बदल रहा था। फिलहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।